सबको नमस्ते। आज के इस नारद जयंती समारोह और नारद पुरस्कार जो है उस कार्यक्रम में विशेष रूप में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री आनंद नरसिंह जी, माननीय अशोक जी, यहाँ भी बहुत सारे पत्रकारिता के जगत के जिनको स्तंभ कहा जा सकता है ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं और बलवीर जी जैसे राजनीति में रहते हुए भी बहुत अच्छे नियमित स्तंभ लिखने वाले लोग हैं, तो सभी को बहुत बहुत सभी भाई बहनों को नमस्कार और सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामना। वैसे आनंद जी और संजीव जी दोनों बोल रहे थे, दोनों ये बार बार बोल रहे थे कि हम ज़्यादा अच्छे वक्ता है नहीं, पता नहीं बोल रहे, लेकिन आप समझ ही रहे थे कि अनुभव के साथ काफ़ी सारे जब बातें निकलती है तो निश्चित रूप से वो सीधी मतलब स्ट्रेट होती है और समझ में भी बहुत जल्दी आती है। तो निश्चित रूप से यहाँ सब पत्रकार हैं, रोज़ ही होने वाली पल पल की खबर जिसको बोलते हैं उस पर सबकी नज़र होती है और उसका विश्लेषण भी सब लोग करते रहते हैं और इसलिए क्या घटित हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, बाहर की खबर अंदर की खबर, इसको बहुत अच्छे से रखने वाले सब लोग यहाँ पर हैं। स्वाभाविक ही व्यस्त भी रहते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में समय निकाल कर आना भी मुश्किल है। वैसे पत्रकारों के कार्यक्रम कम ही होते हैं, मतलब पत्रकार जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वैसे बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि ऐसा है कि जहाँ सब पत्रकारों के लिए आयोजित है, पत्रकारों द्वारा ही है, आयोजन में भी वो सारे लोग हैं और सम्मान भी पत्रकारों का ही है, तो ये मुझे लगता है कि एक विशेष आयोजन है और आप सब लोग भी उसी आत्मीयता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इसलिए आपका हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन। नारद जी के बारे में देवश्री नारद कहते हैं, मैं बहुत गहरा अध्ययन करने वाला नहीं हूं इस विषयों का, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, हमारे देश में जितने भी प्रोफेशन हैं वो प्रोफेशन परंपरा से जब प्रारंभ हुए तब से उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो उसमें जैसे प्रोफेशनल स्किल पर बल दिया गया, उसके ज्ञान नॉलेज के बारे में बहुत जोर दिया गया, लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर दिया गया कि जिसके पास ये सारा रहेगा उसके पास एक ऐसा चरित्र, उसके जीवन की ऐसी एक सात्विकता शैली भी रहनी चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वैद्य हो, डॉक्टर हो, या राजा हो, या राजा के यहां किसी भी प्रकार का काम करने वाला हो, समाज में किसी भी तरह से जिसके पास कोई ना कोई दायित्व है, कोई ना कोई विशेष विद्या उसके पास है, तो उसको इस बात की जिम्मेदारी भी साथ में जोड़ी गई और उसको उतना ही महत्व दिया गया। मुझे लगता है कि यही कारण था कि किसी भी बात का, अगर कोई भी विद्या हो, जैसे बोलते हैं कि जो विद्या का दान है वो सत्पात्र ही होना चाहिए,
मतलब जिसको आप विद्या दे रहे वो व्यक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब बौद्धिक क्षमता केवल नहीं, उससे जो शक्ति उसके पास आएगी उसका उचित लोक हित में वो प्रयोग कर सके, वैसा उसका चरित्र हो, उसको सत्पात्र कहा गया है। और वो बहुत आवश्यक है। आप लोग विश्वास करते कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन सांप का विष उतारना, ये इसके भी कई सारे प्रयोग, बड़ी अलग अलग जड़ी बूटियां जो होती है, और उनसे, क्योंकि सांप तो नया नहीं है, बहुत पुराना है, डंक भी पुराना है, तो उसके भी उपाय बहुत पुराने हैं। तो हमारे जानकार थे, तो हमारे, मैं तो महाराष्ट्र के जिले का हूँ, तो गढ़चिरौली जिला है, बहुत बड़ा जंगल है उधर, काफ़ी लोग रहते हैं, मैं काफ़ी अंदर तक गया हूँ। तो वहाँ एक व्यक्ति से मिलना हुआ जिनको ऐसी जड़ी बूटियाँ पता थी कि वो बहुत सारे ऐसे उपाय करते थे, और उसमें सांप की भी दवा उनको आती थी, मतलब वो नहीं ऐसा ऐसा करके उनको दवा आती थी मतलब। तो उनसे हमने पूछा कि आपकी उम्र हो रही है तो आप किसी को सिखा दो, आपने किसी को सिखाया नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा मैं तो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये, मुझे मेरे गुरु ने ये बताया था कि भाई उसको सिखाना जो इसका दुरुपयोग न करे और लोगों की सेवा के लिए ही उसका उपयोग करे। अब वो व्यक्ति आज की हमारी भाषा में अनपढ़ था, किसी स्कूल में नहीं गया था, आज के किसी कॉलेज में नहीं गया था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो बिल्कुल नहीं गया था, और वो बिल्कुल एक गाँव का व्यक्ति था, और उसके पास एक ज्ञान था कि वो पेड़ देखकर बोल सकता था कि इससे कौन सी औषधि बनेगी, इससे क्या उपाय होगा। तो बाद में बहुत दिन के बाद मुझे ध्यान में आया कि उनका एक कोई शिष्य दो बन गए हैं, और वो बहुत ही, उनको सबसे पहली शिक्षा वो ये दे रहे हैं कि उनका जीवन सच्चरित्र बन जाए। तो मैंने तो उसके बाद उनको वो विज्ञान जो है, उनका जो ज्ञान है वो उसको देंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है समय के साथ। तो नारद जी का जो महत्व है पत्रकारिता के जीवन में, और उनका जो स्थान है, उनका जो प्रतीकात्मक हमारे सामने जीवन चरित्र है, उसका महत्व यही है कि हम नई नई कुशलताएं, नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे नए प्रयोग सीखते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक बात महत्वपूर्ण अंडरलाइन रहे कि इसका उपयोग लोक हित में होना चाहिए। और इसी का प्रतीक देवर्षि नारद है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि बात, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई और सोशल मीडिया का बहुत सारा उल्लेख हो गया, तो टेक्नोलॉजी अभी तो और आगे बढ़ेगी, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। हम अच्छा लगे हमें बुरा लगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मेटा आ गया, अभी तो ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, और आप उसमें तो रुकिए मत, उससे आगे भी है, उससे आगे भी कमांड्स आएगी, बहुत सारी कमांड्स आएगी। और इसलिए ये बात रुकने वाली नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी से डरने की भी बात नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा शॉकिंग रहता है। जब पहली बार किसी ने प्रिंटेड चित्र बनाया होगा तो शॉक लगा होगा, पहली बार मोशन पिक्चर बनी होगी तो लोगों को लगा पता नहीं बच्चे क्या देखने जा रहे हैं, शॉक हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा बाद में। जब पहली बार रेडियो चला होगा, मशीन से आवाज आने लगी तो शॉक हुआ होगा। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी के शॉक्स तो पुराने जमाने से ही लगते रहे, और इसीलिए आने के आगे भी ऐसा होगा। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि हम कौन सी बातों को स्थायी रूप में इसमें पक्का रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि सत्य को लेकर जाना, सत्य के साथ कोई समझौता न हो।
बिल्कुल, जैसे आजकल कहते कि जैसे कोई कलाकार हो, कोई विद्वान हो, कोई शोधकर्ता हो, कोई पत्रकार हो, तो उसकी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। कोई फिल्मकार हो, कोई गाना लिखने वाला कवि हो, गीत लिखने वाला कवि हो, गायक हो, हर एक की अपनी क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात महत्वपूर्ण होगी कि आपके निश्चित रूप से उस फ्रीडम के साथ साथ बात, सत्य बात लोगों के पास जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे समाचार तो आ जाते हैं, बहुत सारी, मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आपने कितने समाचार बनाए, तो बोलते एजेंसी लोग बोलते हैं हमने 800 समाचार बनाए। कई बार डिजिटल पोर्टल वालों को पूछते हैं, वो 800 समाचार एक एक दिन में क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे समाचार होते हैं, और इसलिए ये बात मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस बात को प्रायोरिटी में लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, किस सत्य को लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोक हित उसमें बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मतलब निश्चित रूप से आपका क्रिएटिव फ्रीडम है, लेकिन लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हमारे देश में उस तो एक जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कहूँगा कि पूरे समाज की ये अपेक्षा है हर प्रोफेशन के लोगों से, और पत्रकारिता का प्रोफेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली इट कैप्चर्स द माइंड, हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस उससे प्रभावित होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ये आज बहुत समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देवश्री नारद भी सब जगह जाते थे, सब जगह समाचार इधर से उधर देते थे, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन संवाद उनके जीवन में बहुत सारे कार्य है, अगर देव और सुरों में अगर कोई विवाद हो रहा है तो इधर से उधर समाचार पहुंचाते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालने का भी उसमें प्रयास है। मतलब तो मुझे लगता है यहां जिम्मेदारी समाप्त तो नहीं हो जाती, लोकतंत्र चल रहा है जैसा आया वैसे हमने बता दिया, नहीं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र मजबूत कैसा हो, लोगों की लोग कैसे अधिक जागरूक हो ताकि उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, इसमें भी मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं और खासकर जो नेतृत्व में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की भी बात है। निश्चित रूप से कभी कई लोग बार लोग बोलते हैं कि निगेटिव समाचार आ गए तो अस्वस्थ भी होते बहुत सारे लोग। मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक ही है, जब तक गलत बात, जो निगेटिव बात है या गलत बात है, वो फ्रंट पेज पे आ रही है या ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, मतलब दुनिया ठीक चल रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अपवाद है, एक्सेप्शन है, उस वो शॉकिंग है, क्योंकि नॉर्मली वो वैसा नहीं है समाज। तो मतलब जब खराब चीज़ ब्रेकिंग न्यूज बनती है या फ्रंट पेज पे आती है, तो मैं थोड़ा आश्वस्त होता हूँ कि अभी भी मतलब बाकी जमाना ठीक चल रहा है। मैं ऐसे सोचता हूँ, सही गलत आप सोच सकते हैं। और इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम सही बात को सही है, केवल सत्य मैंने पहुंचा दिया जैसा है वैसा नहीं। मुझे लगता है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल भी इम्पोर्टेंट है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के समय में देवश्री नारद जी को स्मरण करते हुए हम इन सब बातों को सोचना बहुत जरूरी है। हमारा देश स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव, और जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन में भाग लिया, नेतृत्व किया, उन सब का स्मरण भी हम लोग कर रहे हैं, कि उन लोगों के हमारे ऊपर इतने उपकार है, उनके बिना हम अपने आज के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें ये बात भी महत्वपूर्ण है कि उस समय जितने भी हमारे देश का स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे, उन्होंने एक पवित्र माध्यम के रूप में पत्रकारिता का, समाचार माध्यमों का उपयोग किया।
लगभग हर एक कोई लिख रहे थे समाचार पत्रों में, आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे लोक जागरण का माध्यम ही ये सारे समाचार माध्यमों को बनाया था, और उनके विचार जिन लेखों के द्वारा जिन समाचार माध्यमों से जा रहे थे उसने पूरे देश को एकत्रित किया स्वाधीनता आंदोलन के लिए। और इसलिए पत्रकारिता की जो हमारे देश की परंपरा है वो परंपरा भी देश के स्वाधीनता सेनानियों ने बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत की है, और इसलिए एक तरीके से वो लीजेंड्स हैं हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र के, कि जिन्होंने पूरे देश दुनिया में जब ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी उन्होंने इन माध्यमों को बहुत परिश्रम पूर्वक उपयोग करते हुए पूरा एक स्वाधीनता का आंदोलन को चेताया। आज मुझे लगता है कि आज उस जैसे स्वाधीनता के आंदोलन में एक बहुत ही पवित्रता से और जिम्मेदारी से इस क्षेत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज भी जब देश स्वाधीनता के अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में जनमानस में एक आंदोलन है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है, एक समय था कि लोगों को बताना पड़ रहा था कि आप जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, मुझे लगता है कि आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ गया कि एक बहुत बड़ी क्रांति है, इसमें अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए। एक समय था देश में कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बहुत कुछ बताना पड़ता था, आज मुझे लगता है आज ही मैं आते आते सुन रहा था शायद 194 करोड़ से ज्यादा डोज हमारे देश में हो गए, दुनिया के बहुत देशों में ऐसा माहौल नहीं है। तो देश के हर व्यक्ति दुनिया में एक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से बहुत बड़े परिश्रम के साथ आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जब ऐसा माहौल देश में है, एक आकांक्षा है, एक एस्पिरेशन है लोगों के मन में, जहां लोग सोचते थे कि हमारा देश पता नहीं कहां जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत निराशा से सोचते थे, आज पूरा एक वातावरण में बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10-12 वर्षों से लगातार, मतलब मैं मानता हूं कि लगभग ये जो मिलेनियम शुरू हुआ है, मतलब 98 के बाद ये लगातार ये वातावरण बढ़ता ही चला गया है, और इसके अनुकूल जो बात होती है वो लोगों को अच्छी लगती है, इसके प्रतिकूल जो बात करता है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो चाहे राजनेता की हो, वो चाहे फिल्म की हो, चाहे पत्रकारिता की हो, किसी भी जगत की हो, ये लोगों का जो मानस है मुझे लगता है कि इस समय इस तरह से लोगों को इस जन आंदोलन ने एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका को पत्रकारिता के पूरे जगत को निभाना है, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया जगत के लोगों ने उस दिशा को पकड़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे सकारात्मक काम कर रहे हैं, और बहुत सारे व्यक्तिगत रूप में भी कर रहे हैं, मीडिया जगत के रूप में भी लोग कर रहे हैं, और एक सहभागिता भी बढ़ी है। आज ठीक है, जब भी कोई नई बात आती है तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे बोलते हैं उसको स्टार्टअप का प्रॉब्लम है, तो ये स्टार्टअप प्रॉब्लम सोशल मीडिया में चल रहा है अभी, लेकिन ये मुझे लगता है ये भी सेटल हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें भी धीरे धीरे लोग बोलते थे कि बस ऐसा ही चलता है, नहीं, अब बहुत गंभीर रूप से अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी जा रही, बहुत इंफॉर्मेटिव उसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग अच्छे काम के लिए भी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इसमें उस जिम्मेदारी के साथ आवश्यकता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अपना देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है इसका, और मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी बात समझ भी नहीं सकता है, और बीच के समय में बहुत सारे मिसइंटरप्रिटेशन भी हुए हैं, एक लंबा समय संघर्ष का भी हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोगों को पुराने बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए, लेकिन दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है,
हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलन में नेता थे, जितने भी विचार थे, सबने अपना अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आज 75 वर्ष के बाद हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बातों को आगे ले जाना है और कौन सी बातों को अब हमें छोड़ देना है। इसमें कोई कृतज्ञता नहीं है कि हम किस बातों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बदलता है और इसलिए आने वाले समय के लिए एक हमारे देश की एकता, एकात्मता, अखंडता, जिसका आधार हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू है कि जिनको स्पष्टता से रखा नहीं गया, प्रामाणिकता से रखा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जिनका उचित जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जिनका देश के लिए योगदान था, वो भी हम नहीं दे पाए। तो ऐसे बोलते ना कि जो रह गया, तो जब कोई घर में उत्सव होता है तो हम पुराने सब उन विषयों को याद करते कि भाई हमसे जो भी रह गया अब हम याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रह गया वो रह गया, लेकिन अब उसको कम से कम याद कर ले, वो सारे लोगों को याद कर ले जिन्होंने देश के लिए ज्ञान निर्माण किया, वो भाषाओं का ऐसा ज्ञान निर्माण किया कि जिससे सारी भाषाएं जुड़ गई, उनको याद करना चाहिए। जिन्होंने योग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए उनको याद करना चाहिए, स्वाधीनता के वो लोगों को याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम उन सब लोगों को जोड़े और भारत की उस कल्पना को समझें। ये बात ठीक है कि भारत में सब मिलता जाता है, एक के बाद एक सब मिलते चलिए, गंगा, जमुना, संस्कृति, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में एक होना चाहिए, गंगा बन जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हम लोग सब एक साथ मिलकर चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक लोक प्रबोधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब लोगों पर है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। इतिहास के तथ्य आएंगे, ठीक है, हम लोगों को अभी तो, अभी जैसे ज्ञानव्यापी का विषय चल रहा है उसमें तथ्य आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यों को आने देना चाहिए सामने, कि वैसे भी तथ्य जो होते हैं वो, सत्य जो होता है वो अपनी राह तो खोजता ही है, आप कितने दिन तक किसी चीज को दबा के रख सकते हैं। तो समाज को मुझे लगता है अब ये समय है कि हम सबको कुछ तथ्यों को, ऐसे सारे तथ्यों को, इतिहास के तथ्यों को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का, समझने का और पूरे समाज के सामने उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखने का समय है। और इस समय पूरा जमाना देख रहा है, आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी कि जब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हो रहा था तो एक समय था कि स्वाधीनता के आंदोलन के समय उन लोगों ने वो भूमिका निभाई, अब स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अवसर पर, मतलब ये छोटी बात नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर ही हम इस मुकाम पर आ गए कि हम दुनिया में अब एक स्थान बना पा रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास की दृष्टि से कम पीरियड है, जितना पुराना पिछला एक हमारा विपरीत समय रहा उस तुलना में अगर देखते हैं तो, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस विचार के साथ उस जिम्मेदारी को हम अब कैसा निभाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय फिर मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र के जितने लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी सोशल मीडिया, ये कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट मीडिया लीड करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक करेगा कि सोशल मीडिया करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो वरिष्ठ पत्रकार अध्ययन के साथ, एक अभ्यास और अनुभव के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, उनको इस बहस को लीड करने की, नेतृत्व देने की जिम्मेदारी है और उनको इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते, उनको इस जिम्मेदारी को लेना भी होगा और उसको निभाना भी होगा। यही अपेक्षा मैं करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको शुभकामना देता हूँ, आज जिनका सम्मान हो रहा है उन सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत सारे पत्रकारों ने कोरोना योद्धा के रूप में ही काम किया और इसीलिए, और मैं ये यहाँ नोट करना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता की सारे लोगों ने, और इसलिए हमें जानकारियाँ मिल रही थी लेकिन भय से हम जल्दी मुक्त हो ऐसा भी अनुभव में आ रहा था, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ।
और ऐसे ही समाज में समदेश के सामने जब भी कोई विषय आएंगे तो ये मुझे विश्वास है कि आप सब लोग वैसी ही जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुनः एक बार सबको शुभकामना बधाई।